मैं चैनल पी एम और इससे जनरल। तो आज हम करेंगे सी सेट 2017 का। तो अगर आप हमें चैनल पर नए बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और PYQ सॉल्व करिए और टेस्ट करिए, साथ ही साथ घटना चक्र और UPG के करंट अफेयर सब कुछ करवाया गया है, सब कुछ करिए। सब प्ले लिस्ट कम्प्लीट हो चुका है, बस आपको देखना है, ठीक है। अंतर्वैतिक एवं संचार कौशल से पहला क्वेश्चन है, तो यह अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? ज़्यादा व्यक्तिक होना, दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्विस करना, टनल दृष्टि और समाधान की दीर्घ प्राप्ति। तो पहला होगा बीइंग मोर पर्सनल। ज़्यादा व्यक्तिक होना सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है, जबकि दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश करना, टनल दृष्टि एवं समाधान की शीघ्र प्राप्ति सकारात्मक संप्रेषण के माध्यम है। संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है शॉर्ट सर्किटिंग का। संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियाँ, तो प्रविधियों की विधि प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंट्रोलिंग, प्रबंधन, निर्णय लेना, ये करना या नियोजन करना, तो यह निर्णय करना। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया निर्णयन से कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संप्रेषण के संप्रेषण अंतरक्रिया से हमें आवश्यक ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? तो संरचनात्मक नियमन से, संगठनात्मक संयोजन से, नियमन से, तो रेगुलेटरी रूल से। नियामक नियम में यह ध्यान देने की जरूरत होती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तात्पर्य है कि किसी परिकल्पना के निर्माण में पूर्व नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से संप्रेषण होना चाहिए। संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहले आता है? तो संचार क्रिया में पहले आता है कूट लेखन, ये पहले ही बताया गया। पहले कूट लेखन चरण पहले आता है, फिर संचार प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया होती है और इसमें सूचना प्राप्तकर्ता को कूटवाचक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल स्पष्ट करता है कि अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? तो वह स्किल सोशल स्किल। सामाजिक कौशल अंतःक्रिया संप्रेषण को सुगम बनाता है। प्रबंधकीय कौशल का संबंध नियोजित संगठनों से है। ये संबंध परक कौशल का संबंध अंतर्व्यक्ति संबंधों से है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? लोक कौशल का, मृदु कौशल का, जीवन कौशल का, संगठनात्मक कौशल का। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं होता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि लोक कौशल, मृदु कौशल एवं जीवन कौशल अंतर्वैयक्तिक संबंध को और प्रगाढ़ बनाता है। ध्यातव्य है कि दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण को अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक दिशा निर्देश एक प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण है? तो नियंत्रण के, समझौता के, संगठन की सूचना के, तो है नियंत्रण के। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकरण पदानुक्रम संचार नियंत्रण प्रकार का उदाहरण है। ध्यातव्य है कि संगठनों में पदानुक्रम एवं दिशा निर्देशात्मक संचार ऊपर से नीचे की ओर संचरित होता है, जिसका उद्देश्य संगठन में नियंत्रण बनाए रखना होता है। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द एवं कौन सा है? तो उसमें आप कहेंगे तुम और हम होता है, ठीक है। संचार में तुम एवं हम सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। संचार या संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक प्रेषक अर्थात हम होता है एवं दूसरा प्राप्तकर्ता अर्थात तुम कहलाता है। अशाब्दिक संचार में निहित है देह भाषा मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा भाव भंगिमा देह मुद्राएं भावात्मक अभिव्यक्ति। तो पहला होगा इसमें, पहला क्या है देह भंगिमा वगैरह क्या है? तो देह भाषा मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा। तो अशाब्दिक संचार के माध्यम सामान्यतः शब्द रहित संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने की संप्रेषित प्रक्रिया से है। देह भाषा मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा द्वारा संप्रेषित किया जाता है। अगला है अंतर्वैयक्तिक के संबंधों में किस में सबसे अधिक समय लगता है? आदान प्रदान में, संचार में, संव्यवहार में, विश्वास बनाने में। नेक्स्ट है निर्णय क्षमता। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस विषय प्रक्रिया को बताइए? विषम प्रक्रिया बताइए, बुद्धिपूर्ण क्रिया, अल्पकल्प क्रिया, चयन क्रिया, तदात्मकारक क्रिया, तो आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। तो साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय के तीन चरण हैं, बुद्धिपूर्ण क्रिया, अभिकल्प क्रिया, चयन क्रिया और तदात्मकरण की क्रिया। बुद्धिपूर्ण क्रिया का ही भाग है, अतः इसे अलग से एक चरण नहीं माना जा सकता। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। स्पष्टीकरण करना, अनुमान लगाना, समझना, प्रदीपन, प्रकाश डालना,
तो वह अनुमान लगाना, इन्फेरिंग। नेक्स्ट है तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन अनुमान लगाना कहलाता है। सहज ज्ञान निर्णय का प्रयोग संगठनों में नहीं होता है, संचित निर्णय पर आधारित एवं चेतना प्रक्रिया है, अनुभव भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। तो यही है ऑप्शन सी, सहज ज्ञान निर्णय अनुभव भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो समस्या की पहचान, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, निर्णय मानदंड की पहचान और समस्या समाधान करने वाले विकल्प का चयन। तो निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। नेक्स्ट है तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित है, तो क्या निहित है? तो अनसर्टेनिटी। एज अगेंस्ट यूजिंग द स्टेबलाइजमेंट ऑफ रूल इन रीजनिंग, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निश्चितता निहित होती है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग, कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग इन डिसीजन इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पर है विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालय को बहुत समय लगता है। और दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विधि सर्वाधिक उचित है, नीचे दिए कोर्ट से चुनिए। तो न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए और अपने विभाग के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देना चाहिए। तो दोनों के दोनों कथन सही है। तो अगला है समस्या समाधान की त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्ट एक प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं, चयनात्मक भंडारण नहीं है। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार चयनात्मक भंडारण अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है। अगला है एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं, प्रारंभिक अवस्था समस्या, स्थान, स्वतः शोध एवं संकारक। और प्रारंभिक अवस्था लक्षित अवस्था, संकारक एवं नियंत्रण, मानसिक विज्ञान से दक्षिण अवस्था नियंत्रण एवं मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व कारक और नियंत्रण प्रकारात्मक जड़ता, संकारता एवं समस्या स्थान। तो वो है प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था एवं संकारण एवं नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास की अस्वस्थ अनुक्रिया है? महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, समझौता पाने की क्षमता। तो ये समझौता पाने की क्षमता। तो समझौता पाने की क्षमता द्वंद्व समाधान की अवस्थ अनुक्रिया है। अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतः मैं ये अनुमान क्यों ना लगा लूँ कि मनुष्य स्वार्थी हैं। इसमें निहित है आत्मश्रय, अवैध सामान्यकरण या फिर क्या है इसमें, तो अवैध सामान्यकरण है, इसका मतलब इलिसिट जनरलाइजेशन। तो ये क्या होता है, सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए स्वार्थी, अतएव यह मैं ये अनुमान क्यों ना लगाऊं कि मनुष्य स्वार्थी। इसमें अवैध सामान्यकरण तर्क दोष निहित है। बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतः बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। यह अनिरीक्षण तथा अवैध सामान्यकरण है, तो पहला ही सही है। तो बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतः बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। इसमें अनिरीक्षण तथा अवैध सामान्यकरण तर्क दोष निहित है। वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? तो इसमें है अर्थांतर दोष। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संतुष्ट ना करते। तो उसमें चतुष्पाद या अर्थांतर और आत्मश्रय और अवैध समानीकरण है। तो इसमें इलिसिट जनरलाइजेशन है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकता क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संतुष्ट ना करते। इसमें अवैध समानीकरण तर्क दोष निहित है। विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर रहते हैं और इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? अर्थांतर, चतुष्पादी, कृषि दृश्य और विग्रह। इसमें अर्थांतर है। विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है अर्थात इसमें राजनीति के लिए स्थान है। इसमें अर्थांतर तर्क दोष निहित है। 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, अतएव 6 तथा 7 एक संख्या है। इनमें निहित तर्क दोष कौन सा है? संग्रह का, विग्रह का, चतुष्पादी का, तो 4 टर्म्स का। 6 और 7 13 होते हैं, अतः 6 तथा 7 एक संख्या है। इसमें चतुष्पादी तर्क दोष निहित होता है। दिए गए कथन में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तो वैध रूप से निकलता है? प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक होती है, इसमें जिसका मतलब है कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होती है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होते हैं और इसमें पहला ही होगा कोई पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं होता है। अगला नेक्स्ट है शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते। हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसमें विग्रह, संग्रह, आत्मश्रय कौन सा है? तो इसमें विग्रह डिवीजन। नेक्स्ट है
युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति है, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? आत्मश्रय का, चतुष्पादी का? तो चतुष्पादी का है। तो युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति है, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं। इनमें चतुष्पादी तर्क दोष है। तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया गया, चांदी कुचालक है। इसमें कथन कारण देखना कौन सा सही है? चांदी कुचालक इसलिए, तो इसमें जो हो जाएगा इसमें ए सही हो जाएगा, आर गलत है। चांदी कुचालक नहीं, सुचालक होती है। अगला है, और आधार वाक्यों के दिए गए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? सभी विमान चालक बहादुर व्यक्ति हैं और सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं। तो इसमें क्या बोला गया? सभी विमान चालक बहादुर हैं, सभी विमान बनाए, सभी विमान चालक बहादुर हैं। ये बहादुर हो गया, ये विमान चालक हो गया। सभी सभी विमान चालक बहादुर हैं, तो सभी जो पहले बोला जाए उसको आप अंदर लिखेंगे, और सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं, तो विमान के अंदर सभी अंतरिक्ष वाले को बना देंगे। तो इस तरह से क्या वो निष्कर्ष निकलेगा? सभी विमान चालक कौन है? अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये तो नहीं है। सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर हैं, सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर हैं, तो ये भी गलत है। अच्छा, सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति हैं, सभी अंतरिक्ष यात्री, तो सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर हैं, तो बहादुर में सभी आ जाएंगे, तो सही हो जाएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा उपरोक्त चित्र से निष्कर्ष निकलता है सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति हैं। पहला क्या दिया था? सभी विमान चालक अंतरिक्ष यात्री, सभी विमान चालक अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये गलत है। कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, यदि यह तर्कवाद सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। इस तर्कवाक्य की सत्यता अथवा असत्यता के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो ये असत्य होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है सभी वैज्ञानिक दार्शनिक हैं, तो दोनों अलग अलग बात है। घृणा प्रेम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सृजन करना संबंधित है किससे? नष्ट करने की। अगला है, उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। तो जोड़, घटाव, गुणन भिन्न भिन्न है, अलग है। नेक्स्ट है, पांच घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, किसी समय एक साथ बजने के लिए कितनी देर एक साथ बजेंगी? तो बजेंगी 7 मिनट। तो 6, 7, 8 इन लोग का क्या करेंगे? लहसुन निकालेंगे, 420 आ जाएगा, और 420 और 60 में पूरा कर देंगे, 7 मिनट आ जाएगा, भाग कर देंगे। अगला, सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है तो अजय किस दिशा में जा रहा है? तो अजय जा रहा है साउथ में। तो सिंपल सा बना लीजिए। और फिर उसके बाद है, 90 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रतन पवन के दाएं से 15वें स्थान पर है, जो बाएं से 40वें स्थान पर। पंक्ति की दाएं और कितने ते रतन का स्थान क्या होगा? 40 और 15 आप जोड़ दीजिए, 55 आ जाएगा। पंक्तियों में कुल लोग कितने हैं? 90 हैं, तो 15 तो 90 हैं, और इसमें 55 है प्लस आर है, -1 कर दीजिए, फिर 91 हो जाएगा, और 91 -55 कर दीजिए, आर का मान आ जाएगा 36। ठीक है, 36वां स्थान हो जाएगा। तो यदि 18 फरवरी 1997 एक मंगलवार है, तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? तो वह शुक्रवार होगा। 18 फरवरी 1997 मंगलवार, 98 को हो जाएगा बुधवार, और इसके बाद बृहस्पतिवार हो जाएगा। फिर लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो इसमें इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोर से 15वां पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा 15 15 है, -1 कर देंगे, 15 15 30 29 हो जाएगा। यदि किसी निश्चित कोड का ये है अलमीरा है, तो BMMWGO लिखा गया है, तो निम्नलिखित में से इसको किस में लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा क्रॉस कोड में। तो यहाँ पर देखिए, पहले एक बढ़ा, फिर 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ा बना है इसे। अगला, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 67 16 14 3 5 1, तो ये है। तो यहाँ पर देखेंगे, 1 1 3 3 1 4 हो जाएगा, फिर 5 15 1 16 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो 3 1 × 3 = 1 हो जाएगा 4, फिर 1 फिर हो जाएगा 5 × 3 = 16 हो जाएगा, 22 × 3 = 67 हो जाएगा, फिर 5 × 3 में करेंगे, 5 15 1 16 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेगा, 5 15 1 16 हो जाएगा, तो 16 उसके सामने रखा गया, सामने सामने की संख्या की बात हो रही है। तो ठीक है, तो 3 के आगे क्या हो जाएगा? तो 3 3 1 3 3 3 9 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है,
फिर है यहाँ पर निम्नलिखित चित्र का परीक्षण कीजिए और जिनमें संख्याएं और निश्चित पैटर्न अनुसरण करती हैं। तो अगर 4, 5, 6 तो इस तरह का दिया हुआ है, तो लास्ट में 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है तो देख सकते हैं, 5 है, 5 है, 5 है, इसमें भी है 6 है, इसमें 7 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 4 धन 6 हो जाएगा, 6 4 10/2 करेंगे 7 हो, 4 4 धन 6/2 5 हो जाएगा। फिर 5 5 5 7 12/2 6 हो जाएगा। फिर 8 7 14/2 7 हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है यहाँ की, तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगी, तो लुप्त संख्या हो जाएगी 8, देख सकते हैं 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 6 9 8 8, तो इस तरह से है यहाँ पर दिया गया है, कर लीजिएगा देख के। और ये है निम्नलिखित में आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये त्रिभुज काउंट करिए, तो 12 त्रिभुज है, तो यहाँ से कर लीजिए काउंट बना के, नहीं तो ठीक जो भी जैसे आता है कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है अधोलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले एक बिंदु होगी, फिर बिंदु के बाद आप क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, फिर रेखा खींचने के बाद आप वृत्त बनाएंगे, फिर गोला बनाएंगे, तो आप समझ जाएगा सी। नेक्स्ट है पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट क्या हो जाएगा, तो होता है सोपान दंड आरेख और विविक्त चर तथा सतत चर दो प्रकार के हैं क्या, तो ये है परिमाणात्मक वर्गीकरण, याद करना पड़ेगा भैया। एक वृत्त जिसके त्रिज्या खंड विभिन्न परिणामों को निरूपित करता है वह कहा जाता है, वह कहा जाता है पाई चार्ट। फिर है यहाँ पर जे एफ एम ए लिखा है, संकेतों में सही विकल्प का श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, तो वहाँ पर अगला क्या होगा, तो अगला हो जाएगा, तो यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, तो अगला जोड़ लीजिए मई जून जुलाई। नेक्स्ट है बी, बी कहता है कि उसकी माँ एक ही माँ की एकमात्र पुत्री है, ठीक है, तो ए बी किस प्रकार संबंधित है, तो ए बी का क्या हो जाएगी, उसकी मामा हो जाएंगे, तो यहाँ पर बनना चित्र कर लीजिएगा, साल इरीगेशन वाला तो कर लेंगे। समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, समानुभूति सहानुभूति दोनों समान है, व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है, तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, सहानुभूति समानुभूति अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सामान्य संख्यात्मक दक्षता आंकी की योग्यता, निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसको व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट टू को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सब लसल लेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सबसे बड़ा √6, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 है सॉरी। नेक्स्ट है और कोई व्यक्ति 20 से 25 सेब की दर से सेब खरीदता है, तो उसे 25 से 20 में बेच देता है, प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 25 रुपये में सेब खरीदता है, 20 रुपये में बेचता है, तो 20/25 80 रुपये, फिर 20 रुपये में बेच देता है, 25 रुपये का लाभ कमाता है, तो 20/25 25/20, ये तो इसका प्रॉफिट इतना हुआ, तो इसको पूरा निकालेंगे क्रय विक्रय करके, तो आ जाएगा 56.25। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में अपने 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों बाद 9 गुनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 6 साल बाद। आप फार्मूला रखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कथन पर विचार कीजिए, यक्स तो यहाँ पर दिया है x³ + 2x² + 3x + 8 एक गुणनफल, x+3 है और इसका गुणनफल x-2 है, तो परिकथन में से कौन सा सही होगा, केवल 1 केवल 2, ये कोई नहीं, ना इधर 1 ना इधर 2 होगा, सॉल्व कर लीजिए देख लीजिए, मैथमेटिशियन है भाई समझ जाओगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द x²-1/(x+1), इसका भाग करेंगे आप इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, तो कैसे आएगा, यहाँ पर सोल्यूशन दिया है भैया, कर लीजिए आप 9x²-(rx+81=0) किसके समान होगा, तो ±2 के, तो यहाँ पर फार्मूला रखिए, इसको स्प्रेड डाउन करिए, तो ए का बराबर 9 हो जाएगा और बी बराबर -r है और 81 है, तो इसको रखिए ब्रेक डाउन करिए आ जाएगा आंसर। फिर है ex+1/(x=5), देन द वैल्यू ऑफ x^4+1/(x^4=, किसके हो जाएगा, 527 हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है x+1/(x=5), तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 दिया, 23, तो कैलकुलेट करिए पूरा आ जाएगा आंसर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है,
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एवं वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, और प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, सही कथन है। अगला है, यह एक बाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, एक्स प्लस वन, नाइन माइनस वन और 5x-3 निरूपित की जाती है, ऐसे कितने त्रिभुजों के संभव हैं? तो वह है एक त्रिभुज। यहाँ पर है कैलकुलेशन, देख सकते हैं। फिर है, यदि एक बारंबारता बटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं क्रमशः 10 और 40 हैं, तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा? तो वर्ग का मध्य बिंदु 25 होगा। यहाँ पर सॉल्व करिए, L1 L2 करके तो प्लस कर दीजिए, अपन 2 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो उनके आयतनों का 27:8 होगा। यहाँ पर देखिए, 2πr² 1 और 2πr² 2, 9√3 का 2 हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। ई के आयु एस की आयु की 2 गुनी है, तो उसकी आयु में अंतर ज्ञात करने के लिए उनके लिए कौन सा सूचना पर्याप्त है? तो 5 वर्ष के बाद उसकी आयु 9:5 हो जाएगी, 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो दोनों सॉल्व कर लीजिए देख के, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आइदर 1 आइदर 2, मतलब किसी एक द्वारा आप कर ही सकते हैं। फिर है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, तो पिता और माता की उम्र का योगफल 51 है, तो पुत्र की उम्र क्या होगी? तो 3 वर्ष हो जाएगी। पिता की उम्र 9x है, माता की उम्र 8x है, तो 9a+8x=51 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 17, यस इसको 51 हो जाएगा, यस को 5 51 5 17, तो 3x आ जाएगा। अगला है, 3 विभाज्य संख्याओं को जोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है? तो आता है 14 बार, 1 से 99 तक। ठीक है, 3 विभाज्य, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 45 51 54 57 75, सबको जोड़ दीजिए। नीचे देख रहे हैं अभिष्ट अंक के, 5 25 35 55 52 53 55 56 58 69 और 65 और 85 में आ जाता है। तो ये 6-6 से हमें गद्यांश को पढ़कर अंतर आंसर देना है। ठीक है, पढ़ते हैं। लोभ चाहे जिस वस्तु को हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सनिधि या उपभोग से जो जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिसे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता है। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है। इसके लिए जो है क्या है, जो है वह भी नहीं है। संतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, अतः जब किसी में यह अभाव कल्पना स्वभाव हो जाता है, तो सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। ना ही किसी को देखकर वो प्रसन्न हो पाता है, ना ही किसी को देखकर प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो यह मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है? क्योंकि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। अगला गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? लोभ और असंतोष। नेत्र है, गद्यांश की किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? अभावमय, अभावग्रस्त का नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? तो संतोष को कहा गया है। अगला, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? तो ये माना गया अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख का दुख माना गया है। तो अवगुंठन का अर्थ क्या होता है? अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। ठीक है, घूंघट होता है, अवगुंठन मीन्स घूंघट। और जैसा करोगे वैसा भरा हुआ। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वह लड़का है जो बाजार में मिला था, वो जो जीता वही सिकंदर। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है पक्ष की पहली तिथि। परिप्रता का अर्थ है प्रत्येक पक्ष की पहली तिथि। चौराहा में समास कौन सा है? तो उसमें है द्विव समास। चौराहे में द्विव समास से जिस समासिक पद का प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है, तो विग्रह करने पर उसके समूह को बोध उसे द्विव समास कहते हैं। चौराहे में 4 राहों का समूह है, 5 वृक्षों का समूह है, तो तनौरा, त्रिभुवन, प्रताश, त्रिपुरा, ये सब है। अनुरूप का विलोम क्या होगा? प्रतिरूप होगा।
अनिष्ट है। अधोलिखित में से एक परिवाची शब्द युग्म नहीं है कौन सा? सरोवर का पुष्कर है, फड़ी का उरग है, जलधि का अम्बुद नहीं है, पुरंदर का अमरपति है। तो पुरंदर का अमरपति इंद्र का पर्यायवाची, सरोवर पुष्कर का पर्यायवाची है, फड़ी उरग का सर्प का पर्यायवाची, जबकि सी जलधि अम्बुद पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि समुद्र का है, अम्बुद बादल का है। अगला है गुलर का फूल होने का अर्थ क्या है? तो दुर्लभ होना। नेक्स्ट है भभूत का तत्सम शब्द है, भभूत का तत्सम क्या हो जाएगा? तो उसका तम विभूति हो जाता है, विभूति। सदैव में संधि कौन सा? सदैव, तो उसमें है वृद्धि संधि। तो सदैव में वृद्धि संधि है जब आ के उपरांत ए ऐ ओ औ आए, तो ऐसे स्थान पर ए औ औ की जगह हो जाता है। ऐसे में परम ऐश्वर परमेश्वर, ये सदैव महर्षि, ये सब क्या है? ये सब है वृद्धि संधि। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि एक शब्द युग्म अशुद्ध है वो कौन सा है? तो अध्यात्म। तो अध्यात्म अनुग्रहित अंतर्धान और अधीन वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है जबकि अध्यात्म अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप अध्यात्म होता है। नेक्स्ट है कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है हरदोई जनपद में, ठीक है, मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है कौन सा? मिर्जापुर, बलिया, इलाहाबाद, देवरिया। तो इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। उक्त दिए गए विकल्प देवरिया, मिर्जापुर, बलिया भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत जबकि इलाहाबाद अवधी क्षेत्र में आता है। फैजाबाद जनपद बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वह है अवधी। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ब्रज, अवधी, बघेली। तो बघेली नहीं है, बाकी भोजपुरी सब है। बघेली है मध्य प्रदेश की। अधोलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव पिटारा है। प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक, ये सब तत्सम है। अंग्रेजी भाषा व्याकरण से है क्वेश्चन, पहले आप कंप्रिहेंशन पढ़िए फिर आंसर दीजिए। द ग्रेट ग्रामर ऑफ पाणिनी विच इफेक्टिवली स्टेबलाइज द संस्कृति लैंग्वेज एंड पर्पज प्री सपोजेज द वर्क ऑफ मेनी अर्लियर ग्रामरियंस दीज हैड सक्सीडेड इन द रिकॉग्निशन द रूट एज द बेसिक एलिमेंट ऑफ वर्ड एंड हिज हैड क्लासीफाइड सम 2000 मोनोसिलेबिक रूट्स विच विद एडिशन ऑफ प्रीफिक्सेस सफिक्सेस एंड इनफिक्सेशन वेयर थॉट टू प्रोवाइड ऑल वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज तो द अर्ली इटिमोलॉजिस्ट वेयर करेक्ट इन द प्रिंसिपल दे मेड मेनी एरर्स एंड फॉल्स डेरिवेशंस एंड स्टार्टेड ए प्रीसीडेंट विच प्रोड्यूस्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन मेनी ब्रांचेस ऑफ द इंडियन थॉट आई थॉट इट्स फेम इज मच रिस्ट्रिक्टेड बाई इट्स स्पेशलाइज्ड नेचर देयर इज नो डाउट दैट द पाणिनी ग्रामर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ऑफ एनी एंशियंट सिविलाइजेशन एंड द मोस्ट डिटेल्ड एंड साइंटिफिक ग्रामर कंपोज बिफोर द 19th सेंचुरी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच ग्रामर बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक पाणिनी। नेक्स्ट है विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द वर्ड तो ये है प्रीफिक्स रूट रूट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस द अर्ली इंटिमोलॉजिस्ट डिवाइस प्रिंसिपल विच वेयर करेक्ट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंस पाणिनी ग्रामर गेव ए संस्कृत लैंग्वेज स्टेबिलिटी टू संस्कृत लैंग्वेज हु मेड मेनी एरर्स एंड फॉल्स डेरिवेशंस में द अर्लियर ग्रामेरियन विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज यूज फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड आफ्टर इट इज प्रीपोजिशन सेंटेंस द आफ्टर एन ए प्रीपोजिशन तरफ प्रयोग हुआ है ए प्रीपोजिशन शब्द है इन टू ऑन विद ईटीसी ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज इन द नाउन प्रोनाउन स्टैंड फॉर स्टैंड द पर्सन ऑफ थिंग्स डिनोटेड बाई द नाउन आर प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन वर्ड एप्लीकेबल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू विद इन अ सेंटेंस एंड ही सेड अल्लाह आई एम अनडन तो इसका क्या होगा ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। नेक्स्ट चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस व्हाई डिड यू नॉट गिव हिम प्रॉपर एडवाइस इसका हो जाएगा व्हाई वाज ही नॉट गिवन प्रॉपर एडवाइस बाय यू। एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव
सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निकालो तो एक्टिव एंड व्हाट डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड पैसिव में व्हाट वाज वेयर सब्जेक्ट नॉट एंड वर्ड का थर्ड फॉर्म अदर सब्जेक्ट। नेक्स्ट होगा चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू ओड, ओड का अपोजिट होगा इवन। वेरी सिंपल आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का होगा प्रोबेबल, तो पॉसिबल का सामान्यता होता है संभाव्य, प्लॉसिबल इसका प्रोबेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम आरती सब फिर सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम्स फ्रॉम द फॉलोइंग, गोविंद हैज लेफ्ट हिज कंट्री फॉर गुड, तो इसका हो जाएगा फॉर एवर। फॉर गुड का अर्थ हमेशा निरंतर होता है, अतः दिए गए शब्द का सिनोनिम फॉर एवर हमेशा परमानेंटली होगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई हैव डिसाइडेड टू गिव अप, गिव के साथ हमेशा अप होता है। दिए गए सेंटेंस में गिव के साथ सही प्रीपोजिशन अप का प्रयोग होगा क्योंकि गिव अप का अर्थ होता है छोड़ना या त्यागना। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, एट लास्ट ही मेड के साथ अप होता है, मेड अप हिज माइंड टू सपोर्ट अस, दिए गए सेंटेंस मेड के साथ अप का प्रयोग होगा जिसका अर्थ होता है बनाए तैयार होता है। फाइंड आउट द वर्ड इन करेक्टली स्पेल्ड, परमिशन एम्बिशन एंड एडमिशन क्या होगा इसका होगा एडमिशन डबल एस रहेगा भाई गलत दिया है तो ठीक है यहाँ 100% कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तब तक भेजा है हमारे जाने से पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।